हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 6 पर्सनल फिनांस मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग करते हैं। ये जो मिस्टेक्स है ना, ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार हम सब लोग सिर्फ अपनी मिस्टेक्स बताते हैं और सारी मिस्टेक्स तो मैं नहीं कर सकता, राइट? तो इसीलिए आई थिंक परिमल ने एक ट्वीट किया था कुछ, आई थिंक 3-4 डेज पहले, उस पर कुछ 330-340 कमेंट्स आए थे। एंड देन वी पुट ऑन यूट्यूब ऑल्सो कम्युनिटी पे, और उस पर भी कुछ अराउंड 40-50 कमेंट्स आए थे। तो मतलब ऑलमोस्ट 400 टोटल कमेंट्स आए। इस पर परिमल ने पूछा कि भाई आपकी मेजर पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है, जिससे आपने सीखा। तो वो सारे जो कमेंट्स हैं, राइट, एक क्राउड सोर्सिंग के थ्रू हम ये वीडियो बना रहे हैं कि मैं अपने नहीं बता रहा हूँ मिस्टेक्स, ठीक है? मतलब मैंने शायद वो काफ़ी सारे वीडियोस में, लाइव सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस की भी हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे जो बाकी लोग कर रहे हैं मिस्टेक्स, उससे हम सीखते हैं। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखिए, राइट? तो उससे हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो है, जिसका हमने एक हेड बनाया है, 6 ये, राइट? तो उसमें पहला जो था वो है फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड मिस्टेक्स, ठीक है? तो वो जो अगर आप मतलब यहाँ पर चलता रहेगा लेफ्ट साइड पे मेरे वेरियस जो मिस्टेक्स हैं उसके स्क्रीनशॉट्स, ठीक है? तो जैसे एक आया, नॉट डूइंग रेगुलर SIP, ठीक है? ये हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन दूसरे से सुनना, एक जिन्होंने एक्चुअल में किया और मिस्टेक मानी, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? हम बोलने से काफ़ी बार नहीं होता है, राइट? नॉट बजटिंग माई मनी, ऑलवेज थॉट वेयर डिड द मनी गो, डिडंट हैव इनफ टू इन्वेस्ट। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, SIP रेगुलरली इन्वेस्टमेंट ना करना, ठीक है? तो वो नॉट स्टार्टिंग SIP 10 ईयर्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जल्दी स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो वो मिथुन जी ने बोला। फिर अगेन मारियो जी ने भी यही बोला, नॉट स्टार्टेड अर्ली, ठीक है? एंड फिर भास्कर जी ने बोला, एवरी टाइम आई बॉट लेस, ठीक है? फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक, पता ही नहीं है कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, मेरे गोल के लिए कितना इन्वेस्ट करूँ, कितना स्टॉक बाय कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ, कितना करूँ, राइट? फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक है ये, ठीक है? तो ये सारी मिस्टेक, अगेन रोहित जी का है, आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम एज ऑफ 21 बट स्टार्टेड टू सेव एंड इन्वेस्ट ओनली आफ्टर 32, राइट? अगेन डिलेड इन्वेस्टिंग, बहुत डिले किया इन्वेस्टिंग, 10-11 साल के बाद हमने इन्वेस्टिंग की प्लानिंग की, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, राइट? तो मैं ये चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बहुत बार बोलता रहता हूँ, और आई एम श्योर परिमल से, सबसे आप हमारे यज्ञ की टीम से ये बहुत बार सुनते हैं, राइट? बट आई थॉट कि एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, एक्चुअल लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी अपनी मिस्टेक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, राइट? तो वो यहाँ पर आपको पता चलनी चाहिए। इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस व्हेन एक्टिव इनकम राइजेज एंड नॉट रियलाइजिंग दैट एक्टिव इनकम मे गो डाउन सडनली, राइट? एक्सपेंस, अब इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो आप, राइट? सेविंग नहीं बढ़ा रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग बिग मिस्टेक विच मेनी ऑफ अस डू, राइट? तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको दिख ही रही होंगी, राइट? दूसरी जो है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स या फिर कोई भी एसेट क्लास, राइट, विदाउट रिसर्च, ठीक है? तो वो सेकंड है, उस ब्लॉक में बहुत सारे अगेन स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ कुछ पिक कर पा रहा हूँ, सारे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, ठीक है? तो फिर बाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन सोशल मीडिया टिप्स, ऋतिक जी ने बोला, राइट? बाइंग अ पेनी स्टॉक्स, इट वॉज ए फ्रॉड, भुवन जी ने बताया, राइट? स्टार्टेड इन डायरेक्ट स्टॉक विदाउट नॉलेज, फॉलोड द न्यूज इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल्स, रिसर्च कुछ नहीं किया, न्यूज देखा और उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया, ठीक है? आशुतोष जी ने ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च, सिमिलर थिंग, राइट? बींग ऑन लॉन्ग टर्म फॉर कमोडिटी स्टॉक्स, मतलब कमोडिटी स्टॉक में बहुत लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट, साइक्लिकल जो इन बिजनेसेस हैं उसमें इन्वेस्ट करना, राइट? पेशेंस नहीं होना, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, अननोन गाय, मतलब उन्होंने लिखा है, तो इस तरह से बहुत सारे, मेड अ लॉस इन रिग्ड PSU स्टॉक्स, ठीक है? फिर PSU में इन्वेस्ट ना करना, तो ये प्रॉपर रिसर्च ना करना, राइट? कि मेरे लिए क्या है, मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, किस टाइप की इन्वेस्टिंग करनी है, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके कुछ भी किसी से बात करके इन्वेस्टिंग करना बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, राइट? वी शुड अवॉइड इट, एंड यू कैन सी सो मेनी स्क्रीनशॉट्स हैं, और बहुत और भी हैं जो, एज आई सेड, कि सब नहीं ले पाया, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर देखिए, ये इसीलिए मैंने रखा है कि मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा यार यार ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, ठीक? फिर थर्ड जो है, रॉन्ग टाइम टू सेल,
ठीक है, ये स्टॉक स्पेसिफिक मिस्टेक है कि रॉन्ग कि गलत टाइम पे मैंने सेलिंग किया। अगेन ये एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक ही है, बट इस काफ़ी सारे इस टाइप के आए। पैनिक सेलिंग इन ब्लू स्टिक, ब्लू चिप कंपनी, एक बहुत अच्छी कंपनी थी, उसमें मैंने पैनिक सेल किया, कुछ भी स्टॉक नीचे गिरा सेल कर दिया। सोल्ड स्टॉक्स टू अर्ली, कुणाल जी ने बोला, नॉट बिकॉज आई डिडंट बिलीव इन देम, बट ओनली बिकॉज दे वर अंडर परफॉर्मिंग। ITC उन्होंने एग्जांपल दिया, अंडर परफॉर्म कर रहा था, मैंने बेच दिया। ठीक है, जब हमारे पास हमारे भी पोर्टफोलियोज में है ITC, राइट, तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर यू नो, तो वो भी वहाँ पर भी है। तो ITC में क्या कहते हैं, अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी उन्होंने उसको बेच दिया, बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस था, बट फंडामेंटली प्रॉपरली नहीं किया। ठीक है, फिर नीता जी ने बोला कि सेलिंग ऑन र्यूमर्स ऑफ मंदी एंड बुक लॉसेस, कि ऐसा लगा अरे बहुत मंदी आने वाली है, बहुत ख़राब होने वाला है मार्केट, तो बेच दिया, लॉस बुक कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अगेन आई सोल्ड म्यूचुअल फंड्स इन कोविड फॉल, वर्स्ट मिस्टेक एवर, मेड मी मच वाइजर। ठीक है, प्रवीण जी ने, तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, राइट, जब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स या कोई भी एसेट क्लास हमारा नीचे जाता है, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि पैनिक में सेल कर देते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उस एसेट क्लास को समझा ही नहीं, हमें समझा ही नहीं है कि इस एसेट क्लास का होराइजन क्या है। हम एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थॉट प्रोसेस से इन्वेस्ट करते हैं, 6-8 महीने, 1 महीना 2 महीने के हिसाब से, कि इसमें मेरे को इतना गेन मिलेगा, और वो नहीं मिलता और नीचे चले जाता है तो वी गेट पैनिक्ड। अगर हम एसेट क्लास, सही एसेट क्लास को सही होराइजन के साथ, सही गोल के साथ रखेंगे और एक पेशेंटली इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सारी मिस्टेक्स हमारी नहीं होंगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दोज थिंग्स। फिर फोर्थ जो है वो है, मेरे ख्याल से अगेन ये भी बहुत कॉमन कमेंट था कि रॉन्ग एडवाइस, मेरे को एडवाइस ही गलत मिला। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लरिसा जी ने बताया कि वन ऑफ देम कि मेरे को बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया मैंने, ठीक है, और मेरे को चाहिए नहीं था, बट फ्रेंड ने बेच रहा था तो मैंने वो खरीद लिया। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग हम करते हैं ये, राइट। व्योम जी ने बोला, बॉट लाइफ लॉन्ग एंडोमेंट प्लान हैविंग लॉट ऑफ डिस्क्लेमर्स, अगेन राइट, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, टुक टू मैनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, बिगेस्ट मिस्टेक एवर, जयेश जी ने। ठीक है, तो ब्लाइंड फॉलोइंग सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स, उनको ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। मार्केट एक्सपर्ट्स आपको शायद हेल्प कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ एक एनालिसिस दे सकते हैं, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो अपना हर, जैसे आई सेड, एवरी पर्सनल फाइनेंस है ही इसलिए क्योंकि इट इज़ पर्सनल, इट इज़ एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, राइट। तो इसीलिए जब हम भी, अगर आप हमारे इन्वेस्टर ने वेबसाइट पे जाएंगे तो वी हैव लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स है, वी डू 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो, वी हैव ए प्रीमियम प्लान ऑल्सो। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच वी डोंट डू, ठीक है। हम इधर उधर से सुन के और इन्वेस्टिंग करते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, रॉन्ग एडवाइस लेते हैं, एडवाइस राइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगेन बहुत सारे और भी सिमिलर कमेंट्स हैं, ऑनलाइन हेल्थ, क्या कहते हैं, यूलिप प्लान लिया 25 इयर्स पे जब मैं था, तो ये सारी चीज़ें हम मिस्टेक्स, रॉन्ग एडवाइस लेते हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि फ्री होता है, ठीक है। एडवाइस जो फ्री होता है तो मोस्टली रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये फ्री है या फिर, और इसके पीछे क्यों ऐसा एडवाइस दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा, क्या कहते हैं, फिफ्थ जो इन्होंने मिस्टेक, अगेन आई थिंक वी टॉक अ लॉट अबाउट इट, कि ट्रेडिंग रिलेटेड मिस्टेक्स, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब हमसे बात करते रहते हैं, और ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये जो ट्रेडिंग की जो फील्ड है ये लास्ट 1.5 साल में काफ़ी ब्लॉसम हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कमेंट्स देखें तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे अगेन कमेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इंट्राडे, गॉट लॉस ऑफ 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो, लेवरेज्ड यूज्ड बाई मी, ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद इंट्राडे नहीं किया, ट्रेड इन FNO विदाउट स्टॉप लॉस, लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैड, मतलब आप समझ रहे हैं, राइट। आई मेड ह्यूज लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग, एग्रेसिव ट्रेडिंग, कंपाउंडिंग इज ओनली मैजिक, एग्रेसिव ट्रेडिंग इज अ मिस्टेक, कंपाउंडिंग इज ओनली मैजिक, दैट्स व्हाट ही हैज सेड। ऑप्शन बाइंग, मेड अ ह्यूज लॉस इन FNO विच मेक्स मी मूव टूवर्ड्स इक्विटी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली लास्ट 1 ईयर में ये मिस्टेक्स बहुत सारे यंग, मतलब फॉर फ्रेंड्स में हमने, हमारे ने की है, राइट। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट इज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप क्या कहते हैं कर स्टार्ट करो एंड यू विल गेट, इट इज़ अ, या तो फुल टाइम कीजिए, मतलब इट इज़ अ प्रॉपर वर्क, क्योंकि इट्स अ जीरो सम गेम, समवन हैज़ टू विन, समवन हैज़ टू लूज, ठीक है। तो आपको अगर जीतना है तो सब किसी को हारना है, ठीक है। तो अब हमें उस तरह से प्रिपेयर होना है कि हम उसमें जीतें, तो वी हैव टू हैव दैट स्किल सेट, वी हैव टू हैव दैट टाइम, ठीक है, कि हम उस गेम में जीतें। मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर आप
देखोगे ज़ीरोधा के सीईओ जब सबने बोला हुआ है कि 1% से भी कम जो ट्रेडिंग करते हैं दे एक्चुअली मेक प्रॉफिट्स. तो यू कैन इमेजिन राइट. तो ये सारी चीज़ें वी नीड, तो दीज आर द मिस्टेक्स विच वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स डू वेरी मच राइट. हम बोलते हैं आप, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने की ट्राई की. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट राइट, अगेन मतलब सिमिलर है, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड ही है राइट. कि हम बहुत बार फोमो हो जाता है हमें कि यार ये अगर मैं कर नहीं किया तो मैं मिस कर दूंगा. ठीक है, तो अगेन कुछ कुछ चीज़ें हैं कि माई मिस्टेक वॉज फोमो, आई एडेड माई एंटायर अमाउंट इन इक्विटी व्हेन मार्केट करेक्टेड, स्टिल करेक्टिंग, दिस मिस्टेक इन फ्यूचर विल मेक मी बेटर. ठीक है, तो सब कुछ एक ही जगह पर डाल दिया फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में. ठीक है, सोहम जी ने बोला परचेजिंग स्टॉक्स एट ऑल टाइम हाई आफ्टर सीइंग बाय कॉल्स फ्रॉम बिग फर्म्स ठीक है एंड सुपर इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो उन्होंने बाय किया तो मेरे को लगा रहे यार बाय करना है, ये सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा गेन होगा शायद, सब बहुत सारा पैसा डाल दिया राइट. फिर पेशेंस नहीं होना पेनी स्टॉक्स में से अट्रैक्ट होना, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि इसमें नहीं डालूंगा तो मैं शायद मिस कर दूंगा कुछ राइट. इन्वेस्ट इन हाइप स्टॉक्स आफ्टर वॉचिंग यूट्यूबर्स ठीक है, हम सब भी उसमें काफ़ी मतलब पार्ट प्ले करते हैं कि बहुत हाइप क्रिएट करते हैं हम. हमें हाइप किस लिए क्रिएट करना पड़ता है काफ़ी बार कि लोग हमारे वीडियो देखें, हाइप नहीं होएगा तो वीडियो पे क्लिक नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें होती हैं एक सर्टन लेवल पे. ठीक है, बट अगेन यू शुड अंडरस्टैंड क्या है क्या नहीं है. आप थोड़ा अपना रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट राइट, अपना प्लान क्या है मेरा, ये करना है नहीं करना समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. टेकिंग लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नेवर एवर डू इट, शैलेंद्र जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट राइट. लेवरेज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगेन फोमो ही है ना कि मैं अरे यार लोन लेके डाल देता हूँ शेयर्स में पैसा ठीक है क्योंकि बहुत बढ़ेगा, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मैं लोन ले लिया और फिर डाल दिया, बहुत बड़ी गलती है. ठीक है, तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है. बहुत एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने किया बहुत अच्छा है बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर्स वी इट्स नॉट फॉर अस, तो वी शुड अवॉइड इट. ठीक है, सो दीज आर द सिक्स जो है मिस्टेक्स विच आई वांटेड टू ब्रिंग टू यू और ठीक है ऑन दिस फ्रॉम क्राउड. एज आई सेड कि मैं अपनी मिस्टेक्स नहीं बताना चाहता था. ठीक है, अगर आपको और कोई लगता है कि इसके अलावा मिस समथिंग एंड यू हैव मेड सम मिस्टेक्स ठीक है, तो आई वुड लव टू हियर देम फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं हमारे स्टॉकोमीटर के, मॉडल पोर्टफोलियोज़ के, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट्स के, तो वो दे ऑलवेज से कि सर हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट कूपन निकालने चाहिए. तो वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स विच आर मतलब मच हायर देन वी मोस्टली गिव राइट. तो अगर आपको, आप एक एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं कोई भी हमारे प्रोडक्ट के एंड यू वॉन्ट मतलब हायर डिस्काउंट ऑन अदर प्रोडक्ट्स और आपको उसी पर रिन्यू करना है, तो डू लेट अस नो. ठीक है, हमारी investorzone.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर्स हैं या ईमेल है, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वी विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल विच वी कैन राइट. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद.